मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग के तत्वाधान में एक बैदबाजी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम उर्दू विभाग अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही ने कार्यक्रम का उद्घाटन सभी अतिथियों एवं प्रवक्ताओं का परिचय देकर किया। इसके पश्चात सभी अतिथियों का बैज लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन शमा रोशन करके किया गया। इसके बाद कुरान की तिलावत एवं नाते पाक पढ़ी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आईए आजमी ने की। उन्होंने कहा कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि एवं निर्णायक शहर जिगर के मशहूर शायर अनवर कैफी रहे। बैदबाजी में दो टीमों ने भाग लिया, इसमें कुल 10 छात्र थे। टीम के नाम क्रमशः फिराक गोरखपुरी और जिगर मुरादाबादी थे। इसमें फिराक गोरखपुरी टीम विजयी रही। आज हमारे मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज में शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम हमने बैदबाजी का मुकाबला मुनक़द कराया था। मेरे शोबे के सदर डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही साहब और मैं दोनों ने मिलकर इस मुकाबले का इनेकाद कराया था। देखिए, आजकल बच्चों में उर्दू का रुझान कम होता जा रहा है, उस उर्दू से दिलचस्पी और खसूसन उर्दू बोलना, उर्दू लिखना और पढ़ना, इन सब की तरफ थोड़ी तवज्जो हमारे नए बच्चों की कम हो रही है। तो इसी मकसद के तहत हमने इस मुकाबले का इनेकाद कराया था कि बच्चों के अंदर शेर फहमी और शेर सुखनी दोनों चीज़ें दोबारा से ज़िंदा हो सकें और उनको ये अंदाज़ा हो सके कि शेर कैसे पढ़े जाते हैं और खुसूसन उससे इमला भी दुरुस्त होता है, क्योंकि उर्दू में जब शेर पढ़ते हैं तो उसके आखिर में जो हर्फ आता है उससे दूसरा शेर पढ़ना होता है बैदबाजी में, तो उससे बच्चों का इमला भी दुरुस्त होता है, उन्हें पता होता है कि आखिर हमारी किस हर्फ से हो रही है। और दूसरे ये कि शेर किस तरह पढ़ा जाता है, किस शेर का क्या मतलब है, मियारी शेर कौन से होते हैं, इसका भी उन्हें एहसास कराया जाता है कि बच्चों कौन से शेर ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। और जब वो शेरों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत पर असर अंदाज होते हैं। प्रबंध समिति के मैनेजर इकरामुल हक शमसी एवं महबूब अख्तर ने कार्यक्रम की सराहना कर सबका उत्साहवर्धन किया। विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर रबाब अंजुम ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महाविद्यालय के समस्त प्रवक्ताओं का भी सहयोग रहा। आज कॉलेज में शोबे उर्दू की जानिब से बैदबाजी का मुकाबला प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें दो टीमें बनाई गई हैं, एक टीम जिगर टीम के नाम से, एक फराक टीम के नाम से है, जिसमें दोनों तरफ से बच्चे बच्चियां यूजी और पीजी के शामिल हैं। वो मुकाबला अभी भी चल रहा है अभी, और बाहर से एक उसके जज तशरीफ लाए हुए जिनका नाम अनवर कैफी साहब है, और इंतजामिया कमेटी के लोग भी इसमें शामिल हैं, मैनेजर साहब भी शामिल हैं, सारे बच्चे और सारे टीचर्स फंक्शन में शामिल हुए हैं ताकि बच्चों को अदबी दिलचस्पी पैदा हो और उर्दू अदब से उनका लगाव बना रहे, इसलिए इस प्रोग्राम को कराया जा रहा है। और इसमें 20 बच्चों ने कम से कम एज ए मुकाबला पार्टिसिपेट किया है, और तमाशगीन में तो पूरा कॉलेज साथ साथ शामिल रहा है। सर, आगे भी बच्चों इसमें ऐसे और कराते रहे? जी हाँ, बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी पूरी नीयत है डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम हर शोबे की जानिब से कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम कराते रहें ताकि बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आसानी से होता रहे और बच्चे अपने अदब से, लिटरेचर से, अपने और चीज़ों से, कल्चर से, रवायत से बराबर जुड़े रहें। ये हमारी कोशिश रहेगी और इसी प्रोग्राम से ही जुड़ा जा सकता है और दूसरा कोई तरीका है भी नहीं।